अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी खुशी खान। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेड वेलवेट चॉको केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी भाभी की बर्थडे थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में ही केक बनाऊं। तो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इजी है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे रेसिपी को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 अंडे एक बाउल में तोड़ लिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने अंडों को बीट कर लूँगी। आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं अपने अंडों को अच्छे से बीट कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं 1 कप पाउडर शुगर लूँगी या आइसिंग शुगर आप ले सकते हैं। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और इसको बीट करती जाऊँगी। बहुत अच्छे से आपने इसको बीट करना है, इतना आपने बीट करना है अपने अंडों को कि इनका कलर भी चेंज हो जाए बिल्कुल वाइट में और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम की तरह क्रीमी फॉर्म में चेंज हो जाए। मुझे तकरीबन 8 मिनट लगे थे अपने अंडों को क्रीमी फॉर्म में चेंज करने के लिए। इससे जो आपकी केक में स्मेल आती है अंडों की तो स्मेल नहीं आएगी अगर आप इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे। तो तकरीबन अभी हमारे अंडे बीट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं 2 पाउंड के केक की आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो आपने मतलब बिल्कुल यही चीज़ें और इसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने ऐड करनी है। अब आप देख लें हमारे अंडे बहुत अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और मैदे को मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके छानूंगी और उसको स्पैचुला से मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है, एकदम से आपने इसको बीट नहीं कर लेना है वरना वो गुठलियाँ बन जाएंगी उसकी। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है। और इसको पहले सबसे पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब मैं यहाँ पे 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं वनीला एसेंस लेके वो ऐड करूँगी। इससे आपके अंडों में स्मेल नहीं रहती और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं बीट कर लूँगी बीटर से और इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से बीट कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून मिल्क ले रही हूँ, वो भी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पे रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ अपने स्पंज का कलर चेंज करने के लिए। आप लिक्विड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाउडर फूड कलर ऐड किया है। तो इसको आप अच्छे से बीट कर लें और तकरीबन 1 मिनट ही आपको लगेगा इसके बाद बीट करने के लिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन है। केक पैन को मैं ग्रीस कर लूँगी और इसके बाद इस पर मैंने एक पेपर लगाया है। बटर पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो पेपर लगा के उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे अपना सारा मिक्सचर ऐड कर रही हूँ इसमें और इसके बाद मैं इसको साइडों से क्लीन करके 2-3 दफ़ा टैप टैप करूँगी ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहें। तो अब जो है यहाँ पे मैंने एक देगचा 15 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो 45 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक होने दूंगी यहाँ पर। और ये आप देख लें आँच दम से थोड़ी सी तेज़ आँच पे आपने इसको 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। अब 45 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने नाइफ़ डाल के चेक किया था तो नाइफ़ बिल्कुल ड्राई आई थी तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे ठंडा करके इसको मैं यहाँ पे नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा निकाल लूँगी, साइडों से खोल लूँगी ताकि जब मैं ये केक पैन खोलूँ तो ये टूटे ना। ये इसका स्पंज बहुत सॉफ्ट बना है तो मैं इसका बटर पेपर उतार लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। अब इसकी फ्रोस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्फ़ का बाउल लिया है और साथ में ऊपर एक शीशे का बाउल लिया है, उसे भी मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे 1 मिल्क पैक की क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ और इसको मैं पहले बीट करूँगी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर 1 कप आइसिंग शुगर लेके वो थोड़ी थोड़ी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको तकरीबन मुझे 12-15 मिनट्स इसको आप लग सकते हैं इसको बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो मुझे तकरीबन 13.5 मिनट इतना कुछ लगा था, 13-13.5 मिनट मुझे लगे थे इसको बीट करने के लिए। और इतनी थोड़ी सी क्रीम थी लेकिन इसको जब आप बीट करेंगे आइसिंग शुगर डाल के तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगी। तब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब केक की असेंबलिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले केक को मैं ऊपर से जो इसका हिस्सा है वो मैं काट दूँगी ताकि हमारा केक लेवल पर हो जाए। अब केक को बीच में से मैं 2 लेयर्स करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बटर नाइफ लिया, उसको लेके मैं कटिंग करती जाऊंगी और प्लेट को मैं गोल तरफ घुमाऊंगी ताकि हमारा जो स्पंज की जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हो। आपने बस इस तरह से घुमाते जाना है प्लेट को और नाइफ़ को भी आपने चलाते जाना है। अब आप देखें कितने अच्छे से बिल्कुल इक्वल हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं पाइनएप्पल सिरप ऐड कर रही हूँ, आप शुगर सिरप भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल सिरप ऐड किया और यहाँ पर अभी मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ अपनी और क्रीम को सबसे पहले मैं इस लेयर पर लगा दूँगी। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे अपने पाइनएप्पल्स ऐड कर रही हूँ, आप पाइनएप्पल चंक्स छोटे करके भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है अभी सेकंड लेयर रखूँगी और इस पे भी मैं अपना पाइनएप्पल सिरप ऐड लगा दूँगी।
और अब यहाँ पे मैं क्रीम ऐड करके इसको बस घुमाऊंगी अपने केक स्टैंड को। ये केक स्टैंड जो है मेरा DIY केक स्टैंड है, इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें और आप DIY केक स्टैंड ज़रूर बनाएं। बहुत अच्छे से आपका जो है मतलब इजीली बन जाएगा और आपका केक उसमें बहुत अच्छे से डेकोरेट होगा। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से घूम रहा है यहाँ पर। तो ये आप देखें कि अभी केक को मैं बिल्कुल साइड की तरफ से लगाती जाऊंगी क्रीम, और इसको क्लीन भी करती जाऊंगी और इसको बिल्कुल लेवल पे करूंगी। अब इसमें मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं इसको पिंक कलर का कलर फुल बनाऊं मैं, तो मैंने जो बाकी आधी क्रीम बची थी उसमें मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड ताकि हमारा जो केक है वो थोड़ा सा पिंक कलर में हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बस थोड़ा सा ही ऐड किया था पिंक कलर में चेंज करने के लिए, और इसको भी मैं इसके ऊपर लगा के अच्छे से मैं इसको घुमाती जाऊंगी और क्लीन करती जाऊंगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर की जो डेकोरेशन थी वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी एंड हो गई थी तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल से और चॉकलेट सिरप से मैंने इसको डेकोरेट किया था, तो बहुत ही टेस्टी बना था ये और बहुत ही ईजी है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा, तो आपने लाजमी ट्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप घर में बनाएं और अपनी वाहवाह करवाएं, और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सॉफ्ट बना है ये बिल्कुल, और वाकई खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।